नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हमारे पास स्वयं चल के राहुल जी आए, वो हमसे थोड़ा नॉलेज लेने आए थे, गरीब कैसे जी रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे मैकेनिक बन रहे हैं। पिस्टन चेंज कर रहे हो? एक सिलेंडर का इंजन है। एक सिलेंडर का इंजन। मेरे पास KTM है 390, मगर वो वहीं पड़ी है, सिक्योरिटी वाले नहीं करने दे। ये मतलब चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे सीखने आया हूँ। ठीक है सर। कब होगा सर? देखते हैं। जैसे आप लोगों के बिना ये नहीं चलता, जो आपका टैलेंट है उसकी रिस्पेक्ट इज्जत होनी चाहिए और आगे बढ़ने का मौका। बाग फेमस इसलिए है क्योंकि इस एरिया में 100 से ऊपर मैकेनिक होगा। जो यहाँ पर कई तरह के मैकेनिक है, छोटी हो बड़ी हो, तीन बाइकों की नॉलेज है। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है। आप बस क्या हो रहा है, क्या करते हो आप? हम सब गाड़ियों का काम करते हैं। क्या क्या दिखाओ मुझे, क्या क्या करते हो? रिपेयर करते हो? हाँ, रिपेयर बोरिंग करते हैं। अच्छा। सिलेंडर रोल हो गया, क्रैंक हो गई, चैम्बर वेल्डिंग हो गया, चैम्बर को सही करना, क्रैंक की रॉड सीधी करनी है, क्रैंक असेंबली नहीं डालनी, वो सारा काम करते हैं। हमारे पिता ही 47 से पहले का काम है। अच्छा। और बच्चे भी ये करते हैं? नहीं, बच्चे नहीं, वो पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं छोटी उम्र में ही काम कर रहा। दूसरा लड़का वो नौकरी करता, वो भी वो शर्ट होगी। तो ये क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, सीखने के लिए। तो मेनली आप पिस्टन को भी बोरिंग करते हो? हाँ, बोरिंग करते हैं, सिलेंडर बोरिंग हो गया, ज़्यादातर यही आते हैं आजकल। पहले ऑटो का काम डेली आता था मेरे पास, तो मैंने बीच में थोड़ा काम बंद कर दिया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। क्या हो गया? मेरे फेफड़ों में पानी भर गया था। कैसे? कोविड का टाइम? नहीं, उससे पहले की बात है। तो मैं वेल्डिंग भी करता था, गैस वेल्डिंग करता था, अल्मोनियम की, इलेक्ट्रिक की, मैंने अल्मोनियम। अच्छा, जब आप वेल्डिंग करते थे अल्मोनियम की, मास्क पहनते थे? नहीं, मास्क नहीं पहनते, इसलिए तो हुआ फेफड़े का। अच्छा। और तभी वो डॉक्टर ने कहा बंद कर दो, और तुम हथौड़ा नहीं मारना। तो इसलिए क्योंकि इसका पूरा घुसना है ना अंदर। नहीं, फिर मैं प्रेस मशीन से अब फिटिंग करता हूँ, क्रैंक जो खोलते हैं हम प्रेस से खोलते हैं, प्रेस से फिटिंग करते हैं, हथौड़े नहीं मारते। मगर मास्क पहन लिया करो ना, मुश्किल होती है फिर वो थोड़ी। क्या सांस? हाँ। अब ठीक हो रहा है या वैसे ही चल रहा है? नहीं, दवाई खा रहा हूँ, काम कर। क्या दवाई खा रहे? दवाई ये हार्ट की दे रहे हैं, वो VP भी है और शुगर भी है। 260 भी आप? हाँ, 260-270 ऐसे आती है, और हार्ट मेरा 25% ही चल रहा है, 18% पे था पहले। कैसे? ये कितने दिन पुरानी बात है? ये 5-6 साल। हाँ। तो ये मशीन कितने की खरीदी आपने? आपकी? ये हमारे पिताजी के टाइम। भाई क्या करता है? भाभी ये करता है? नहीं, वो काम छोड़ दिया उसने, चला नहीं। मेरे पापा ने मेरे को सिखाया, बड़ा भाई था। पापा को किसने सिखाया? है, वो खुद ही सीखे थे। वो 47 से पहले वो साइकिलें फिटिंग, तो पूरे सामान ला के फिट करते थे। तो जब पहली बार आपने काम शुरू किया, एज क्या थी पापा के साथ? 10 साल का। तो ये कौन सी मेक का है? ये बस चाइना का ही है। चाइना का है? हाँ, ये चाइना का है। ये भी चाइनीज है? चाइनीज है ये गाड़ियों के बाद है। ये भी डालते हैं, ये कहते हैं कौन सी गाड़ी का डालना है, हम बता देते हैं भाई हमारे पास है, लाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये डाल डालते हैं। सेहत को देखिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वर्जिश करते हो? हाँ, वर्जिश यहाँ पर बहुत हो जाती है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। हेलो जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नारे मत लगाओ, नारे मत लगाओ। नमस्कार जी, कैसे आप? नमस्कार, कैसे आप? नमस्कार, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गुलटन सिंह सर। क्या करते हो आप? सर, बुलेट रिपेयरिंग करते हैं। देखो, आप रिपेयर करते हो? हाँ जी सर। यही वर्कशॉप है आपकी? हाँ जी सर, मेरी वर्कशॉप है। ये इसको कर रहे हो? हाँ जी सर, एंटी रिपेयर। मॉडिफाई कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो? ओनली रिपेयरिंग जॉब है जी सर। अच्छा। हम 1980 में ले लद्दाख जी। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा,
बाई रोड पे। हाँ जी बाई रोड, बाइक ये 11 बाइक है, देख सकता हूँ। हाँ जी सर, 1998 में हम। कैसा लगा? मैं भी जाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था ये। हाँ? उसके अंदर रोड भी खराब थे तो बहुत अच्छे बन गए। कितना टाइम लगा था आपको? ये 15 दिन का टूर था सर। अच्छा, और कौन से रूट से गए थे? ये हिमाचल मंडी, मतलब मनाली रोहतांग ले। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? नाम क्या है तुम्हारा? जमन। पापा क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ट्रांसपोर्ट में। कैसा चल रहा है? सर बस आशीर्वाद है बाबा। ठीक है। कहाँ के हो? सर यूपी के। अच्छा, कहाँ? बरेली। पिस्टन चेंज कर रहे हैं? हाँ जी, एक सिलेंडर का इंजन। हाँ जी, एक सिलेंडर का इंजन है। अच्छा, आपने ये सीखा कब? ये सर मैंने वैसे तो अपना सपना भी था सीखने का, हर चीज़ पे कुछ सपना होता है, तो मैं स्कूल भी जाता था, अपना काम भी करता था। तो मेरे को अभी हो गए पूरे 25 साल हो गए। तो किसने सिखाया आपको? ये मेरे उस्ताद जी थे, उन्होंने सर ने सिखाया। तो कितना टाइम लगा सीखने में? सर मेरे को 4 साल लगे पूरे प्रोफेशनल बनने में, मतलब ऐसे नहीं 1-2 साल का भी, सीधा 4 साल लगे पूरे। हमारे उस्ताद ने यही कहा है कि काम से कभी मत डरो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किराए पे ले रखी है दुकान आपकी? किराए पे ले रखी है। मेरे पास KTM है 390, मगर वो वहीं पड़ी है, बेचारी वहीं पड़ी हुई है। ये सिक्योरिटी वाले नहीं करने, ये मतलब चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं भैया? ठीक है। क्या चमका रहे हो इसको? चमक सेलिंग। 1974 से काम कर रहा हूँ, 15 साल हो गए। ये जब आप काम करते हो आप मास्क नहीं पहनते? जी। इससे क्या होगा? साफ सफाई भारी पड़ता है मास्क से, मगर दूसरा वाला पहना करो, वो सफ़ेद वाला बहुत हरदम धोना पड़ता है, मगर प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हाँ। हेलो, आर यू द बॉस? आई एम नॉट बॉस, यू आर बॉस। तो एक छोटी सी बच्चे के लिए हमने गाड़ी रेडी करी, उसने देखते ही बोला बाप रे बाप। तो हमने सर इस गाड़ी का पैटर्न का नाम बाप रे बाप रख दिया। तो रेडी चरेड होना चाहिए कि इन केस कोई रोकता है, कोई मतलब जैसे यहाँ स्नैचिंग होती है तो जो लोग कलर चेंज करके स्नैचिंग करते हैं, गाड़ी आइडेंटिफाई करनी मुश्किल हो जाती है। मगर जो स्नैच करेगा वो तो पेंट करेगा उसको? यस सर, एग्जैक्टली। तो फिर तो वो RC के ऊपर जैसे ही नंबर प्लेट आएगी उसमें पता चल जाएगा कि हाँ क्या उसका कलर था। जैसे मेरा छोटा ब्रदर वो खड़ा हुआ है सर। आ जाओ आ जाओ, नमस्कार सर। हमने दोनों ने 7,500 रुपए इकट्ठे करके पहली NPA ली थी जो पापा। अच्छा, किस साल की बात है सर? 92। अच्छा। और प्रोफेशनली मैं डिवोशनल सिंगर हूँ और बेटा भी डिवोशनल सिंगर है, लेकिन उस बिजनेस से अलग भी हम लोग कुछ कर रहे हैं। और आपकी जो भारत जो यात्रा भी सर, मैं उसका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। और जो बारिश में भेजते होते सर, मतलब माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। नमस्कार, मैं आपसे सीखने आया हूँ। ठीक है सर। अच्छा, सर्विस में आपका क्या क्या होता है भैया? ऑयल चेंज होता है? ऑयल चेंज करते हैं, उसके बाद एयर फिल्टर चेंज करते हैं। सर क्या काम करने में अच्छा लग रहा है आपको? बढ़िया है। तो आपने पानी वानी भी नहीं पिए? और पानी मैं पीऊँ? हाँ भैया। खोल लूँ? हाँ लो। ये काम तो हमने स्टार्ट इसीलिए किया था कि हमारे पास कुछ गरीबी रेखा थी जिसको हम कटोले का पढ़ाई नहीं कर पाए। मतलब आप पढ़ाई करना चाहते थे, आपका सपना क्या था? मेरा सपना तो पढ़ाई करना ही था। हमारे बड़े भाई जी जो है वो रिक्शे काम करते थे पहले। रिक्शा को चलाते थे या रिक्शा का मेंटेनेंस करते थे? मेंटेनेंस करते थे। तो मैं उनके पास आया था दिल्ली में। फिर क्या हुआ? फिर आने के बाद बड़े भाई ने इसी लाइन में लगाया, तो हमने वहाँ से काम सीखना चालू किया। तो हमने काम सीखा करे का आपका कब होगा सर? अभी हो जाए तो देखते हैं। आपकी शादी हो गई? जी, पापा ने बोला लड़की देखने के लिए। मेरे सच में पैसे कमा लो। अच्छा, अभी पैसे नहीं कमा रहा, 14-15 हज़ार में क्या कर लूँगा? वो तो अपनी लाइफ है कि हम शादी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। जो मैकेनिक नहीं है, जो गाड़ी का काम नहीं करता, मगर उसको ये नहीं मालूम होता कि गाड़ी को ठीक करने में क्या लगता है, कितनी मुश्किल होती है, तो वो मैं बस समझना चाहता हूँ। मगर जैसे आप लोगों के बिना ये नहीं चल सकती। हाँ, ये जैसे किसान के बिना भोजन नहीं मिलता। हाँ। मगर जब
व्यक्ति रोटी खाता है वो ये तो नहीं सोचता ना कि किसान ने काम किया है। हमारा जो हम रोटी खाते जो किसान जो मेहनत करता है उनको फल नहीं मिल रहा, उनका सर का कहना ये बात है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन कंपनी वाले कभी आके हमसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे जी रहे हो, कैसे कमाई कर रहे हो। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया आपके बच्चे क्या करेंगे, आपने ये तो नहीं कहा ना कि मैकेनिक बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैकेनिक का रास्ता बंद है, आप जानते हो मैं जानता हूँ। अगर आप किसी बिजनेस वाले के बच्चे से पूछो भैया क्या करना चाहते हो, कहेगा मैं पापा का बिजनेस करना चाहता हूँ। मगर मैकेनिक के बच्चे से पूछो, कहेगा नहीं भैया जो पापा कर रहे हैं मैं नहीं करना चाहता। अगर सही सपोर्ट मिले, आप मैकेनिक का काम कर रहे हो, अगला कदम क्या है? सवाल ये है ना, अगला कदम ये हो सकता है कि ऐसी दुकान आप कभी खोल सकते हो। ये जो कंपनी है ये किसने शुरू की? नाम होंडा उसका, वो क्या करता था? मैकेनिक था। अब आप मुझे बता दो हिंदुस्तान में कौन सी मैकेनिक ने कंपनी खोल दी, नाम बता दो मुझे उसका। मेरा ये कहना है जो आपका हुनर है, जो आप में कैपेबिलिटी है, उससे जो रास्ते दरवाजे खुलने चाहिए वो नहीं खुले। जो आपका टैलेंट है उसकी रिस्पेक्ट इज्जत होनी चाहिए और आगे बढ़ने का मौका मिलना। आज हमारे पास स्वयं चल के राहुल जी आए, वो हमसे थोड़ा नॉलेज लेने आए थे, गरीब कैसे जी रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे मैकेनिक बन रहे हैं, क्या कष्ट है उनको। महंगाई इतनी हो गई कि एक महीना कमाओ तो एक महीने का घर का राशन ही नहीं पूरा होता। उसमें बच्चे भी देखो, कपड़े भी देखो, कोई त्यौहार आ गया, बीमारी आ गई, ये सब पूरा नहीं हो पाता, कर्जा व्याम लेकर। मैंने राहुल जी को बताया अभी, मैं तो ये समझ के काम कराया कि हमारे चेले हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम राहुल जी से इतना फेस टू फेस मिल के एक साथ बैठ के चाय पी सकते हैं। उसके बाद हम उनके साथ थोड़ा बहुत काम किए, उन्होंने आया हमें देखा, वो मिल के बहुत खुशी हुई, नॉलेज लिए, लेकिन उनको पहले ही नॉलेज है बाइक के मामले में। ये तो मतलब इतने नेता हैं, इतना सबको देखा, पर कोई इतना पास में नहीं आया ना, तो कोई देखने आता गरीबों का। वैसे भी जहाँ मिट्टी पलट हो रही उनकी होने दो, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करी, उन्होंने बेसिक बातें पूछी कि एक नॉर्मल मैकेनिक क्या लाइफ जीता है, वो नॉर्मल मैकेनिक को लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको बैंक लोन कैसे मिलता है, उसके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ हैंड्स में है।